इन्फो फॉर पेशेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो भी आप देखते हैं उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करके अपना नाम, एज और सिटी हमें मैसेज कर दिया करें। इससे हमें आपकी बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है और डॉक्टर के बारे में भी, तो फिर हम आपको इजीली डॉक्टर साहब की सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कि बेड सोर क्या होते हैं? इसके काफ़ी डिफरेंट नेम भी हैं, मतलब मिलते जुलते। इनको प्रेशर सोर्स भी कहते हैं, वो जो पुराने लेटे रहने की वजह से, पेशेंट जब पुराना लेटा रहता है जी सर, तो उसकी वजह से जो जख्म बनते हैं उनका ये नाम। तो वो जो प्रेशर उसके बैक एरिया में, बटक्स में या सेक्रम पे या इवन नीज पे और हील्स पे, यानी या जिस भी सरफेस पे लेटा हुआ है उसमें कुछ तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और वो ग्रेड जब जख्म की सूरत अख्तियार करते हैं तो उनको हम बेड सोर्स कहते हैं। यानी स्किन पे प्रेशर है, स्किन का कलर चेंज, नॉर्मल जो कलर है पिंक है, जो नेचुरल कलर है उसमें वो कलर नहीं रहा, वो येलो हो गया, वाइट हो गया, फिर ऐसा ऐसा रेड हो गया, और रेड के बाद फिर ज़्यादा प्रेशर हो तो उसके बाद वो ब्लैक भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्किन के अंदर चेंजेज आती हैं ये ग्रेड वन है, और उसके बाद स्किन में जख्म बन गया, फैट से नीचे जो फेशिया होता है थोड़ी सी टफ सरफेस होती है, और उसके नीचे मसल्स हैं और फिर बोन्स हैं, बोन्स के साथ नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी। ग्रेड टू ये है कि वो अल्सर बन गया, और ग्रेड थ्री ये है कि नीचे जो मसल और फेशिया है बेड सोर्स के साथ आते हैं उसमें बोन्स भी नज़र आ रही होती है, टेंडन्स नज़र आ रही है, जख्म से बोन नज़र आ रही होती है, यानी इतना डीप जख्म होता है। ये अल्सर बहुत पेनफुल होते हैं, और अगर इनको नेगलेक्ट किया जाए तो वो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। कौन सा लेवल ग्रेड होता है जो ईजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगी। वो जो होती है कि पेशेंट को उठा के चला दे। अब तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं, कैबेज हो गया, न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स हैं, तो ये अर्ली मोबिलाइजेशन यानी चलाना बेड पे, बेड के ऊपर उठा के या बेड से बाहर, ये बड़ी ज़रूरी है। जो पेशेंट मोबिलाइज्ड है उसको बेड सेट नहीं हो सकती। अब पेशेंट की काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो मेडिकल स्टाफ है, जो उसको ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके बाद नीचे चेन है, फिर उसके बाद स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो वो बताते नहीं है। पेशेंट घर जाता है और उससे लेटे रहने की वजह से बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये बेड सोर भी, तो उस चेंज को आने से पहले जो उसकी नर्सिंग केयर है, है कि हर दो घंटे बाद उसको साइड चेंज कराते हैं। अच्छा। एक फैक्टर प्रेशर है, और दूसरे फैक्टर जो हैं वो पेशेंट के फैक्टर्स हैं, यानी पेशेंट अगर ओबीज है या उसमें एनीमिया है, खून की कमी है, या वो डायबिटिक पेशेंट है, जितनी उसको बीमारियां होंगी उतने वो प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी एक दाएं तरफ करवट है, फिर दो घंटे बाद बाएं तरफ करवट है, तो वो उसकी प्रिवेंशन है कि एयर मैट्रेस जो है वो उसकी प्रिवेंशन में भी है, उसकी ट्रीटमेंट में भी है। तो उसको ये समझाना है कि घर जाके लेटे नहीं रहना। दूसरा, ये घर गए तो अब हर घर के अपने सर्कमस्टांसेज हैं, उसके हाँ जी साथ अटेंडेंट्स कौन है, ठीक है, घर में कौन बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो ये सारी ये लेटने की कॉम्प्लिकेशन। एक नॉर्मल बंदा लेट जाए तो वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो सर, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से ही पॉसिबल है या सर्जरी ही करनी पड़ती है? डिपेंड करता है कि वो किस डिजीज़ के साथ आता है, अपने कंसर्न प्राइमरी फिजिशियन के साथ जो भी है, कार्डिक सर्जरी हुई है, न्यूरो सर्जरी हुई है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जो भी है, ठीक है। अगर वो इन्फेक्टेड है उसको एंटीबायोटिक दें, और उसमें कुछ सोल्यूशन जैसे जिस हाइड्रोजन पारोक्साइड है, ऑक्सोफेरिन है, हनी है, ठीक है, जिंक बड़ा इफेक्टिव है इसके लिए, जिंक हीलिंग में बड़ी हेल्प करता है। तो आप ये मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, साथ आप ड्रेसिंग्स कर रहे हैं जैसे पोलीफेस की ड्रेसिंग है, बाकी जो साथ आप उसकी न्यूट्रिशन बेहतर कर रहे हैं, उसका एल्ब्यूमिन लेवल बेहतर कर रहे हैं, उसका एनीमिया बेहतर कर रहे हैं, तो ये ऐसा ऐसा वो बेड सोर वापस आना शुरू हो जाए। डिब्रेडमेंट का मतलब ये है कि सर्जरी करके उसको आपने अंडर प्रॉपर एनेस्थीसिया, लोकल है लेस लाइकली स्पाइनल या जीए, वो इस तरह का पेशेंट था जो बेड रिडन था, और उसका बेड सोर बटक से लेके ऐसे शुरू हुआ कि नीचे जो बोन है हिप बोन, 2 से 3 महीने के अंदर वो सारा भर गया, वो रीजनरेशन की है, बड़े बड़े जख्म जो है वो हील हो जाते हैं। पोलीफेक्स ज़्यादा कॉमनली यूज होती है, पोलीफेक्स ड्रेसिंग जो है वो अगर 2 टाइम आप शुरू कर दें, और साथ यही सारे मरीज के साइड भी चेंज करा रहे हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, नहला सकते हैं आप उसको अच्छी तरह, उसकी सफाई रखना बड़ा जरूरी। यानी बेड सोर की वजह क्या बनी है, पेशेंट लेटा है, उस पर प्रेशर है, मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैंपर लगा हुआ है या फोलीज है, उसने बेड सोर कास करना है। मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैंपर लगा हुआ है या फोलीज है, अब वो जब यूरिन नीचे आएगा, वेट होगा, तो जाहिर है उसका वो उसने बेड सोर कास करना है।
तो उसको नीट रखना, क्लीन रखना और ड्राई रखना और साथ प्रेशर ऑफ रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या मेन जो डोमेन जो है वो सर्जन का है, जनरल सर्जन का, जिन हिस्सों में प्रेशर्स आते हैं, यानी आप जब लेटे तो फील करेंगे कि प्रेशर एरियाज कौन, एंकल तो ऊपर वाला ऐसा है, यानी हील्स पे आते हैं और बटक्स पे आते हैं, और फिर शोल्डर्स हैं, तो शोल्डर्स पे हमने कम देखा है क्योंकि सेक्रल एरिया और बटक्स हैं और उसके बाद फिर हील्स हैं। तो इसी तरह जैसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं तो इन पेशेंट्स को हम ट्यूब से फिर उसका प्रेशर जो है वो नीचे टच नहीं होता, और इसी तरह हील्स पे हम वो बैलून जो है एयर बैलून कर लें या वाटर बैलून है भर के वो रखते हैं ताकि वो हील्स नीचे ना लगें और उसके शोर ना बने। तो मौसम का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो समर इज मोर नोटोरियस देन विंटर, इसमें ये फैक्टर है। तो जो भी अच्छी कंपनी है जो अफोर्ड किया जा सकता है वो मैनेज कर लें, और इवन घर में अफोर्ड नहीं भी करते एयर मैट्रेस तो उसमें आम जो गद्दे यूज होते हैं या घर का बिस्तर सॉफ्ट कर दें।